इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC का रिसेंटली अभी IPO लॉन्च हुआ था 4 मई से लेकर 9 मई तक, जो कि चला था एंड जिसका प्राइस बैंड रहा था 902 से 949 तक के बीच में, वो फाइनली इस ट्यूसडे को लिस्ट होने वाला है। एंड जो इशू प्राइस रखा गया है यानी कि जिस इशू प्राइस पे आपको LIC के शेयर्स अलॉट होंगे वो है 949 यानी कि 949 रुपए। आइए चलिए इस वीडियो में बात करते हैं, देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो LIC के IPO में रहे जानने के लिए एंड जो आपको पता होने चाहिए। LIC का IPO जो कि लॉन्च हुआ था 4 मई को एंड खत्म हुआ 9 मई को, मंडे को यानी कि 9 मई को सबसे ज़्यादा बार सब्सक्राइब किया गया इस IPO को, 2.95 टाइम्स इसकी बिडिंग हुई, जिसमें ज़्यादातर जो परसेंटेज थी वो थी रिटेल इन्वेस्टर्स की, पॉलिसी होल्डर्स की एंड एम्प्लॉयज़ की। टोटल जो शेयर्स इशू किए थे LIC ने वो थे 162 मिलियन शेयर्स। उसके अगेंस्ट जो बिड्स रिसीव हुई हैं LIC के शेयर्स के लिए वो रिसीव हुई हैं 478.3 मिलियन शेयर्स, यानी कि अगर आपको LIC के शेयर्स अलॉट होते हैं तो अपने आप को वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन ऑन अर्थ और इन इंडिया आप समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो रिसीव हुई हैं इस IPO के लिए वो हैं 7.3 मिलियन एप्लीकेशंस, जो कि सबसे हाईएस्ट हो गई है इंडिया में किसी भी IPO के लिए जो कि इशू हुआ है, जिसने 14 साल पुराने रिकॉर्ड अनिल अंबानी के रिलायंस पावर जो कि 2008 में जब उसका IPO आया था 4.8 मिलियन एप्लीकेशंस आई थी उसके लिए एंड LIC की वहीं 7.3 मिलियन एप्लीकेशंस आए हैं, तो आप समझ सकते हैं किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है। इस फ्राइडे से यानी कि इस वीक 13 मई से जिन लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं होंगे उनके अकाउंट्स में पैसे वापस आने लगेंगे। अगर आपको IPO की पूरी प्रोसेस नहीं पता है तो जो अमाउंट है वो जो कंपनीज हैं वो पहले अपने में बुक कर लेती हैं एंड उसके बाद जिनको शेयर्स अलॉट होते हैं उनका अमाउंट रख लिया जाता है एंड जिनको शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका अमाउंट वापस कर दिया जाता है। एंड जो स्टॉक की लिस्टिंग है वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक का जो ट्यूसडे है यानी कि 17 मई, उस दिन LIC लिस्ट हो सकता है स्टॉक एक्सचेंजेस में। और अगर डीपली हम इसके बारे में बात करें, गवर्नमेंट ने 22.3 करोड़ शेयर्स LIC के बेच दिए हैं यानी कि 3.5% स्टेक LIC कंपनी में लोगों में बांट दी गई है, जो कि इसका टोटल अमाउंट निकल के आता है वो आता है 6 लाख करोड़। तो देखते हैं कि ट्यूसडे को लिस्ट होता है कि नहीं होता है एंड अगर होता है तो कितने डिस्काउंट पे लिस्ट होता है, जानेंगे ट्यूसडे को इस वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।